ओकड़ आज तेरा लास्ट दिन है, आज शैतान तेरा लास्ट दिन है ओकड़। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार क्या होंगे, क्या होंगे, चंगे होंगे। हम लोग कहते हैं हाथ रखने से कैसे मरीज चंगे हो जाते हैं, ऐसे कैसा, वो सोचते हैं कि ये पास्टर नाटक करते हैं, ये ऐसे ड्रामा करते हैं, लोगों को झूठ मूठ ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे। अब थोड़ा मुझे बताऊं आप इस चीज के लिए कितना परेशान हुए। बहुत ज्यादा परेशान था, मेरे 5 बच्चे है, इन्हों का पढ़ाई का भी खर्चा, मैं ये तो भी परेशान हाँ, घर का गुजारे तो भी परेशान हाँ, 2 महीने मैं काम पे भी नहीं जा गया। इसी के कारण आप 2 महीने काम पर नहीं गए, नहीं क्योंकि नेगेटिव पावर दुष्ट आत्मा के कारण इसे कभी अटैक आ जाता था, जितो मर्जी आ जाता। दिन में कितनी बार इसे अटैक आ जाते थे? 10 बार आ जाते। ये बेहोशी की हालत हो जाती थी, मतलब कुछ बोलती नहीं थी, जैसे हाँ जी पूरा बेहोश, जैसे मुर्दा समान हो जाती थी। हाँ जी, कई बड़े हसन डे पी, कई बड़े रोन डे पी, तो कई बार बेहोश, मतलब कुछ बोलती भी नहीं थी, नहीं कोई बोलती नहीं। देखो हम सब इस बात के गवाह हैं, बोलो क्या, हम सब इन बातों के क्या हैं, गवाह हैं कि उसकी आज भी कब्र क्या है, खाली है। उसी के नाम से जिसकी कब्र खाली है, आज बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा इन्हें कोई नहीं रोक सकता, ये 12 से 400 करोड़ होंगे और आने वाले दिनों में अब बहुत कुछ होने वाला है। दिल से गाओ, जिसकी खाली पड़ी है देखो कब्र, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। हालेलुया, इस ब्रदर जी का नाम रमेश है और ये अजनाला रोड लक्ष्मीनगर गांव के रहने वाले हैं और ये इनकी बेटी है और इनकी बेटी की गवाही है। ये बता रहे ब्रदर जी की जो 15 साल से प्रभु पर विश्वास करते थे और जब जे इनकी बेटी 1.5 साल की थी उस समय इसको काफ़ी तेज़ फीवर हो गया, बुखार हो गया था और जब जे इसको डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने इसको मेडिसिन दी, इंजेक्शन लगाया, तो जे बता रहे कि जब मेडिसिन लेकर अभी जे रास्ते में आए थे तो जे बेहोश हो गई और फिर से जे वापस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इनको कहा कि आप इसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ। और जैसे इन्होंने बताया कि जे ब्यास हॉस्पिटल में ले गए और 3 महीने तक जे सिस्टर एडमिट रही और इन्होंने जैसे इसका 3 महीने तक इलाज चलता रहा, ट्रीटमेंट चलता रहा और डॉक्टर ने कहा कि जो इसके दिमाग, इसका ब्रेन है वो वीक या कमज़ोर है जिसके कारण जे प्रॉब्लम आई है। और जैसे जे मेडिसिन चलती रही और जे कुछ अच्छी हो गई और अभी जे बता रहे कि अभी जो इसकी एज है वो 14 साल की हो गई है और जे बता रहे कि जे प्रभु पर विश्वास कर रहे थे और प्रार्थना में भी बने थे और जे बता रहे कि जैसे अभी 4 महीने हो गए थे कि नेगेटिव प्रभाव के कारण दुष्ट आत्मा का अटैक फिर से 4 महीने हो गए कि इसके जीवन में आ गया, जिसके कारण जे बताते कि जब जे घर में अपने घर में होते थे दिन में 10 बार नेगेटिव पावर दुष्ट आत्मा इसके ऊपर अटैक करती थी। जब बताते कि जब जे सिस्टर खाना खाती थी, जब फिर घर का काम कर रही होती थी जब कई समय जब ब्रदर जी बताते कि कभी कोई हल्का सा भी इसको डांट देता था उस समय भी दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट हो जाती थी। और जब बताते कि दुष्ट आत्मा प्रकट जब होती थी तो कभी कभी जी बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देती थी, कभी जी बिल्कुल चुप बैठ जाती थी, मतलब अपने आप कुछ भी करना शुरू कर देती थी और जिसके कारण से ब्रदर जी बहुत ही परेशान हो गए थे और इसके कारण इन्होंने मेडिसिन भी लेकर दी और जो बता रहे कि उससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा था और जिसके कारण से ब्रदर जी परेशान थे और इसी कारण से ब्रदर जी 2 महीने तक अपने काम पर नहीं गए, घर पर थे क्योंकि सारा दिन इसको संभालना पड़ता था, जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे और काम के कारण इनके घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा था क्योंकि पैसे ना आने के कारण जी काफ़ी परेशान थे और जिसके कारण इनके घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और जी बहुत परेशान थे। और जी बता रहे कि जो इनकी मदर हैं वो इस संगति में आ रहे थे और जैसे ही इस ब्रदर जी की मदर ने इनको प्रभु की गुड न्यूज़ दी कि आप हमारे साथ इसको चर्च में लेकर जाओ और जैसे जी ब्रदर जी फर्स्ट टाइम यहोशुआ रंजीत रॉबिन मिनिस्ट्री में आए और जब इस ब्रदर जी ने टीम के साथ मीटिंग की
तो क्योंकि जी ब्रदर जी 15 साल से विश्वास कर रहे थे पर इनको प्रभु की पूर्ण सच्चाई के बारे में नहीं था पता कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों गए थे और प्रार्थना कैसे करनी है, नेगेटिव प्रेयर करते थे। और जैसे टीम ने इनको उत्साहित किया, इनको टीच किया कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे लिए, क्यों हमारे लिए क्रूस पर गए हैं और विश्वास कैसे करना है और पॉजिटिव प्रेयर के बारे में बताया गया। और जैसे ही इनको सच्चाई के बारे में बताया गया और जी फिर लगातार चर्च आने लगे और जी बता रहे कि जैसे जी चर्च तो आ रहे थे और मीटिंग जैसे जी लगातार संडे और थर्सडे की मीटिंग को भी अटेंड कर रहे थे और बहुत बार मीटिंग में भी दुष्ट आत्मा जैसे प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना करते थे। जब बता रहे प्रेरित जी कि जब भी प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना करते थे उस समय भी दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट हो जाता था, हैवी हो जाता था। और पहले हम इस वीडियो को देखेंगे। देखो इसके जीवन से शैतान, मैं डिस्कनेक्ट करता हूं गंदी आत्मा, चल पूरी तरह से इसकी बॉडी पे, जो तेरा प्रभाव है शैतान, चल छट से, इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि बार बार दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट हो रहा था। अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। जाएं, मैंने कहा आप आजाद किए जाएं, चंगे किए जाएं, आप आजाद किए जाएं, मैंने कहा आप आजाद किए जाएं, आप आजाद किए जाएं, आप आजाद किए जाएं, द नेम ऑफ जीसस, द नेम ऑफ जीसस। चल शैतान, चल हमेशा के लिए निकल इसकी बॉडी से, इसके शरीर से निकल, 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 चल छोड़, छोड़ उसे, छोड़, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, निकल हमेशा के लिए, उठाओ उसे, लबा रखा बाबा बाबा बा, बोलो बोलो गैर भाषा में बातें करो, लाखूरी सखरी इन द नरा बाबा, ए सुखरा बाबा बा, अशितान तेरे लास्ट दिन है, तेरे लास्ट दिन है, तेरा लास्ट दिन है। चल गंदी सोच डालने वाली आत्मा, निकल इस बच्ची के शरीर से, उखड़ 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 उखड़, आज तेरा लास्ट दिन है, आज शैतान तेरा लास्ट दिन है, उखड़ 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 उखड़, चल आज तेरा लास्ट दिन है शैतान, निकल इसकी बॉडी से, इसके शरीर से, इसके अंगों से, चल उखड़, उखड़ यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं शैतान, चल आउट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और उस दिन से जो दुष्ट आत्मा का प्रभाव था उससे परमेश्वर ने इसको छुटकारा दे दिया। आज ये पूरी तरह से इस प्रभाव से फ्री हो चुके हैं। हम सब इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे कलीसिया। ये खुदावंद ने ये बड़ा काम किया है। हाँ, ये कितने साल से थे माइक दो इन्हें, कितने साल की थी ये? ये डेढ़ साल दी थी जो अंदर में प्रॉब्लम है, डेढ़ साल से। हाँ जी। और जब आप पहली बार इसे डॉक्टर के पास लेकर गए, हाँ जी, तो इस पर जो अटैक आया, अब मेडिसिन लेकर घर आए, फिर उसी तरीके हो, वैसी फिर हो गई, फिर उसी तरह हो गई, फिर आप डॉक्टर के पास गए। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने आपको बताया, सलाह दी कि आप इसे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हाँ जी। फिर आप ब्यास हॉस्पिटल कितना समय रहे? 3 महीने। 3 महीने इसका इलाज चला। हाँ जी। फिर इसके 3 महीने तक इलाज चलने के बाद ये थोड़ी अच्छी हो गई। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? वो तो बाद 14 साल तक ठीक रही, ठीक रही। हाँ। और 14 साल की एज में ये हालात फिर से शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। हाँ जी, ठीक है। और फिर आप चर्च तो जा रहे थे, मगर आपको ज्यादा परमेश्वर के सत्य सच्चाई के वचन को ना समझने के कारण इस चीज का छुटकारा नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा। हाँ जी। फिर आपने लगातार यहाँ पे आना शुरू किया। हाँ जी। और परमेश्वर के राज्य को समझना शुरू किया। हाँ जी। पॉजिटिव प्रार्थना करनी शुरू की। हाँ जी। पॉजिटिव विश्वास करना शुरू किया। हाँ जी। कि ये हमारे लिए हो चुका है। हाँ जी। बोलो कि हमारे लिए हो चुका है। सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग, आप भी
जितने ऑनलाइन है, जो जहां भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में काम इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ लोग अपनी उस चीज के लिए हमेशा ये प्रार्थना करते हैं, ये शास करते हैं कि प्रभु करो। प्रार्थना में भी वो ऐसे बोलते हैं कि प्रभु चंगा करो, चंगा करो। समझ आ रही है? पर बाइबल पवित्र वचन हमें ये सिखाता है कि हम चंगे हो चुके हैं। बोलो कि हम चंगे। और ये भाई साहब 15 साल से एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते थे कि चंगा करो प्रभु, चंगा करो, दया करो। और कुछ लोग तो अपने आप को पापी, प्रभु में आकर भी बैप्टाइज हैं, बपतिस्मा ले लिया है, मगर फिर भी अपनी प्रार्थना में ऐसे बोलते हैं कि प्रभु हमारे पाप क्षमा करो। फिर तुमने बपतिस्मा किस चीज के लिए? बोलो, अपनी प्रार्थना में ऐसे बोलते, परमेश्वर पाप क्षमा कर चुका, वो हमें हील कर चुका है। अपने सिर्फ उस चीज के लिए थैंक्स गिविंग, धन्यवाद देना। और जब सही चीज इन्होंने पकड़ी अपने जीवन में, सही विश्वास करना शुरू किया, तो देखो ये 1.5 साल की थी। अब थोड़ा मुझे बताऊं, अब इस चीज के लिए कितना परेशान रही? बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे 5 बच्चे है, इन्हों का पढ़ाई का भी खर्चा, मैं ये तो भी परेशान हाँ, घर का गुजारे तो भी परेशान हाँ। 2 महीने मैं काम पे भी नहीं जा गया। इसी के कारण आप 2 महीने काम पर नहीं गए? नहीं, क्योंकि नेगेटिव पावर दुष्ट आत्मा के कारण इसे कभी अटैक आ जाता था, जो तो मर्जी आ जाता। दिन में कितनी बार इसे अटैक आ जाते थे? 10 बार आ जाते। ओ देखो क्या होता था जब इसको अटैक आता था, बेहोशी की हालत जो हो जाती थी, मतलब कुछ बोलती नहीं थी, जैसे हाँ जी पूरा बेहोश, जैसे मुर्दा समान हो जाती थी। हाँ जी, कई बार हसन डे पी, कई बार रोन डे पी, तो कई बार बेहोशी, मतलब कुछ बोलती भी नहीं थी, नहीं कोई बोलती नहीं। देखो, जिसकी वजह के कारण आप 2 महीने इसी की डर के कारण आप काम पर भी नहीं गए। हाँ जी, आपके ऊपर कर्ज भी हो गया होगा। कर्ज बहुत ज्यादा जी। देख लो, इसलिए जब इंसान कोई नहीं जानता, अब दुनिया में तो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, अब इनसे पूछो इनका धर्म बदला के जीवन बदला है। बोलो क्या है? अब दुनिया में लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे फास्टर के प्रार्थना करने से लोग चंगे होते हैं। नहीं देखो, लोगों को जो लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा है, बोलो क्या है? यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले 12 को कि जाओ तुम जगत में जाकर क्या करो, मेरे नाम से बीमारों को क्या करो, कोढ़ियों को क्या करो, मरे हुओं को क्या करो। आज भी परमेश्वर ये सारे काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ड, ये वचन किसने दिया था? और सुनो, उन 12 को लोगों ने रोकने की जरूरत की थी। आप प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ो, 35 के दिन के बाद जब 12 प्रेरित, जो वर्ड खुदा ने दिया था यीशु मसीह ने, वो काम करना शुरू हुए, उनका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ, पर 12 को रोकना चाहा। आज कितने करोड़ हो गए हैं? कितने हो गए? मैंने कहा कितने हो गए? आज 12 को रोकना चाहा, आज 400 करोड़ हो गए भाई, 400 करोड़ क्या हो गए? अभी जो कुछ भी हो रहा है, बोलो क्या है? ये रुकना नहीं है, बोलो क्या है? क्योंकि ये वहां से वर्ड आया है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार क्या कहोगे, क्या होंगे? चंगे होंगे। अब लोग कहते हैं हाथ रखने से कैसे मरीज चंगे हो जाते हैं, ऐसे कैसा? वो सोचते हैं कि ये पास्टर नाटक करते हैं, ये ऐसे ड्रामा करते हैं, लोगों को झूठ मूठ ऐसे करते हैं, ऐसे कैसे? उसकी पावर से होता है, उसके वर्ड से, उसके वचन से होता है, जो हम फेथ करते हैं, एक विश्वासी विश्वास करता है और परमेश्वर काम करता है, जैसे इनके जीवन में हुआ। ये छोटा काम नहीं है। अब इनको पूछ कर देखो, अब आपको कोई 10 लाख रुपया दे और बोले कि यीशु मसीह को छोड़ दो,
तो छोड़ दोगे? नहीं जी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। कितना अगर ज्यादा दे, 50 बोले 50 लाख दे देंगे? नहीं जी। कितना तक दे दे? मैंने जीवन मिले आज यीशु मसीह। कितना दे दे? कोई भी नहीं मैं लेना चाहूंगा। अगर 1 करोड़ बोले? नहीं जी। अब छोड़ोगे नहीं? नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ोगे? मैंने नया जीवन मिला। आपको नया जीवन मिला क्योंकि पैसों से जीवन नहीं मिलता। बोले पैसों से, इसलिए बाइबल कहती है आपको छुटकारा सोने और चांदी से नहीं, किसके लहू से मिला? किसके लहू से मिला? हम उसके लहू की कदर करते हैं और विश्वास करते हैं। जो लोग सत्य को समझ आते हैं, कुछ भी हो, वो कभी भी नहीं उसे छोड़ते। तारीफ करो जोर से इस गवाही के। कुछ भी नहीं, जोर से खड़े होकर तारीफ करो, खड़े होकर दिल से। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं, कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। मेरा खुदा बन कैसा यही मौजूद हो यीशु के हजूर। मेरा खुदा करेगा जो मुमकिन हो यीशु के हजूर। मेरा खुदा करेगा जरूर। एक बार जोर से दो बार हालेलुया का बाइबल को माइक दो, नारा लगाओ जोर से, जोर से। हालेलुया। जो जिंदा है, जो जिंदा आसमान पे गया और वो आने वाला है। आमेन। हालेलुया। डरो नहीं, डरो नहीं। वो कहता डरो नहीं, लोगों से डरो नहीं है, उनसे मत डरो जो शरीर और आत्मा को घात नहीं कर सकते। उससे डरो जो शरीर और आत्मा को भी घात कर सकता है और नरक में ले जा सकता है। उनसे ना डरो। बोलो क्या है? इसीलिए बाइबल में लिखा प्रकाशित वचन में कि डरपोकों का राज्य नहीं, उनके लिए स्वर्ग नहीं है। जो डरपोक लोग हैं, जो डरते हैं, माहौल के हिसाब से चलते हैं। कुछ लोग माहौल के हिसाब से, हाँ जैसा है वैसे हो गए। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, न पृथ्वी के न स्वर्ग के। पर जो अड़े और खड़े तैयार हैं, यीशु ने कहा जो मेरे लिए प्राण को खोएगा वो बचाएगा, और जो बचाने की कोशिश करेगा वो खोएगा। क्योंकि वो धर्म नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आया है। बोले क्या है? वो धर्म बदलने नहीं, धार्मिकता को स्थापित करने आया है। और वही धार्मिकता जो आज मसीह पर विश्वास करने से हमें मिली है, मुझे मिली, मेरा जीवन बदला, इनका जीवन बदला, और अब सबका बदला है। आमीन। बदला है कि नहीं बदला? बदला है। चलो आओ फिर हम खुशी से एक बार हम वो सॉन्ग गाएंगे, शेरे बबर। हाँ गाओ, खुशी से गाओ थोड़ा सा। शेरे बबर ये तू, शेरे बबर, शेरे बबर ये तू, शेरे बबर, शेरे बबर ये तू, शेरे बबर, शेरे बबर ये तू, शेरे बबर। देखो तोरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर, देखो तोरे हमारा है यहूदा का शेरे बबर। सुनो, हम सब इस बात के गवाह हैं। बोलो क्या? हम सब इन बातों के क्या हैं? गवाह हैं कि उसकी आज भी कब्र क्या है? खाली है। उसी के नाम से जिसकी कब्र खाली है, आज बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा इन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये 12 से 400 करोड़ होंगे और आने वाले दिनों में अब बहुत कुछ होने वाला है। दिल से गाओ। जिसकी खाली
पड़ी है कुछ भी देखो कब चिट्ठी खाली पड़ी है।